नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट्स से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए यहाँ लेकर आते रहेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स आपके लिए। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी की पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बातें करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OFB रिक्रूटमेंट 2020 निकली हुई है। पंपर वैकेंसी है दोस्तों 6060 पोस्ट के लिए निकली हुई है। फैक्ट्री वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा, और इसमें यह भी बताऊंगा कि इसमें सिर्फ मैट्रिक पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI पास भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन्होंने ITI नहीं किया, वो जिसने सिर्फ मैट्रिक किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्ट इसका हो चुका है 10 जनवरी 2020 से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। जैसा कि हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB 2020 निकली हुई है। संगठन का नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB। कुल पदों की संख्या की बात की जाती है, यहाँ पर 6060 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। नेम ऑफ पोस्ट फॉर अप्लाई, आवेदित पदों का नाम ट्रेड अप्रेंटिस, यानी अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए यहाँ पर, तो ITI और नॉन ITI ओनली मैट्रिक कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही साथ विशेष में दिया गया है नोट फॉर ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि आगे का जो नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे उसमें ट्रेड वाइज फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, और भी बहुत सारे ITI के होते हैं, उसके हिसाब से वैकेंसी दी हुई है। और वेतनमान की बात की जाए तो एज पर रूल्स, यानी कि अभी अभी डिसाइड नहीं किया गया, आप ये नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, या फिर जो ये रूल रहेगा वो आगे बताया जाएगा। और जहाँ तक आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें 15 साल से लेकर 24 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु 9 फरवरी 2020 से काउंट की जाएगी। यानी कि ये 9 फरवरी 2020 से 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन ST OBC के लिए दिया गया है। OBC के लिए 27 साल की छूट, 27 साल तक वे आवेदन भर सकते हैं। साथ ही ST SC 29 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ये छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आवेदन शुल्क का जहाँ तक बात किया जाए तो इसमें जनरल OBC के लिए 100 रुपये रखा गया है। ST SC PH कैडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0, यानी कि कोई भी आवेदन फीस ST SC पर्सन के लिए, विकलांग लोगों के लिए, एक्स कैंडिडेट के लिए और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही आवेदन शुल्क का माध्यम कौन सा होना चाहिए, एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन फी मोड ओनली, यानी कि आवेदन शुल्क जो है आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटेड फॉर नॉन ITI एंड XITI कैटेगरी। यानी कि जो चयन प्रक्रिया होगी वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। इसमें ITI और नॉन कैटेगरी ITI के बारे में भी किस तरह सिलेक्शन होगा वो बताया गया है। साथ ही साथ आवेदन का माध्यम अगर बताया जाए, ये ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ किया जाएगा। और जॉब कार्यक्षेत्र रहेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें यहाँ पर कार्यक्षेत्र दिया जाएगा। और इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो https://ofbindia.gov.in है, यानी कि अभी आधिकारिक साइट यहाँ पर देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण तिथियों की बात की जाए दोस्तों, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ, एप्लीकेशन बिगिन यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने का समय जो है वो 10 जनवरी 2020 से चालू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि अप्लाई करने का लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है 9 फरवरी 2020 तक। लास्ट डेट फॉर पे फीस, यानी कि एप्लीकेशन जो अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उसका जो शुल्क हमें जमा करना है, यानी कि ऑनलाइन पे करना है या ऑफलाइन पे करना है, वो भी 9 फरवरी 2020 तक दिया हुआ है। एग्जाम डेट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है, वो जल्द से जल्द नोटिफाई कर दी जाएगी, यानी कि इसकी जानकारी दी जाएगी। और आवेदन करने का लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, https://ofrcta56.com/, इसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यह है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लोगो है। ये नोटिफिकेशन बारे में 31 दिसंबर 2019 को ये जारी हो चुका है। साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन में हम लोग देख पाते हैं एप्लीकेशन सबमिशन का डेट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फीस समाप्त होने का तिथि भी 9 फरवरी तक दिया हुआ है, 11:59, यानी कि 9 फरवरी को रात को 11:59 PM तक हम इसमें आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम लोग देख पाते हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए कौन सा छूट दी गई है, आयु के बारे में दिया गया है, क्या क्या रिलेक्सेशन दिया गया है, और फॉर आईटीआई फॉर नॉन आईटीआई के बारे में कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये सब जानकारी दोस्तों आपको आगे के नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर आप स्किप करके भी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अप्लाई करने का माध्यम क्या हो सकता है और कौन कौन से माध्यम से क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और साथ ही साथ आधार नंबर के बारे में भी कुछ बताया गया है यहाँ पर कि 14 दिन का आधार नंबर ऑनलाइन में लगेगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के समय, किस तरह की फ़ोटो के भी होना चाहिए, क्या क्या आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। आप देख सकते हैं पेमेंट फीस के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, मेडिकल फिटनेस में मेडिकल फिटनेस किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों आप इसे स्किप करके देख सकते हैं नोटिफिकेशन को, या मैं आपको नीचे भी दे दूँगा नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बार में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने ऑर्डर्स फैक्ट्री के बारे में बताया था, 6,660 पोस्ट निकली है, फैक्ट्री वाइज वैकेंसी डिटेल है, मैट्रिक और नॉन मैट्रिक पास अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वीडियोज़ पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में जानकारी पूरी हुई, नमस्कार।